वेलकम टू द स्टडीज थिंक लोकल बिल्ड ग्लोबल। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं रेलवे में कितने ट्रांसफ़र्स होते हैं, कितने तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र के लिए, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र इंटर डिविजनल रेलवे में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑन स्पॉट ग्राउंड बेसिस पर क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और क्या क्या इनके टर्म्स और कंडीशन हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। नमस्ते, मैं प्रमोद नायर, COS एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुंबई सेंट्रल। मैं आज आपसे ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ट्रांसफ़र इसका मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉई अपने प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्किंग से ओन रिक्वेस्ट पे कहीं और रेलवे में या कहीं और डिवीजन में जाना चाहेगा तो उसके प्रोसीजर्स क्या है, क्या क्या कंडीशंस है फॉर द ट्रांसफ़र, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो हम इस पर बात करेंगे कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। एक होता है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, एक होता है इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इंटर रेलवे बेसिस पे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इंटर डिवीजन बेसिस पे और एक होता है ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड। ये आपका इंटर रेलवे भी हो सकता है या इंटर डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन इसके अलग से एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिसपे हम आगे चलते ही उस पर हम ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे। अब अगर से कोई एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होना चाहता है अपने यहाँ पर्टिकुलर प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्किंग से, वो बस यूँ ही आज नौकरी पे लग गया तो कल अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र दे नहीं सकता। रेलवे बोर्ड ने एक मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र रखा है, वो ये है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर से ऑन रिक्वेस्ट इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा इंटर रेलवे के लिए रूल है, वो एम्प्लॉय को मिनिमम 5 साल की सर्विस उस रेलवे में कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही वो एम्प्लॉई इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। जबकि ऐसा कोई कंडीशन इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र में कोई भी बंदा कभी भी अप्लाई करके अगर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिलीव करता है तो रिलीव भी हो सकता है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने एक एक्सेम्पशन दिया हुआ है सर्विस कंडीशन, जो हमने पहले बताया था आपको 5 साल का जो सर्विस कंडीशन है उसमें एक्सेम्पशन रेलवे बोर्ड ने दिया है 2017 में। उन्होंने कहा है कि अगर से कोई भी बंदा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस पे करना चाहता है और उसका 5 साल सर्विस नहीं भी हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा कंडीशन उन्होंने ये रखा कि अगर से एम्प्लॉई स्पाउस ग्राउंड, यानी हो सकता है एम्प्लॉई की हस्बैंड या एम्प्लॉई की वाइफ कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो तो भी वो 5 साल कंप्लीट नहीं होने पर भी अप्लाई इस ट्रांसफ़र के लिए कर सकता है। और तीसरा कंडीशन ये रखा है कि वो रेलवे सर्वेंट जिसके डिसेबल्ड चाइल्ड हो और उस बच्चे का देखभाल वो रेलवे सर्वेंट ही करता हो, वो भी 5 साल कंप्लीट नहीं होने पर भी इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। और चौथा कंडीशन ये है कि अगर से रेलवे एम्प्लॉय खुद फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसको 5 साल तक
वहाँ एक जगह पर रहना जरूरी नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो ये जो सर्विस कंडीशन जो एक्सेप्ट किया रेलवे बोर्ड ने, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब पावर्स डेलीगेट किए हैं ट्रांसफर के लिए। पहले ये पावर्स फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर जीएम के पास हेडक्वार्टर ऑफिस में हुआ करता था। अब एज पर लेटेस्ट मॉडल एसओपी इस पावर को जो है डीआरएम के पास दिया गया है। दैट इज द पावर्स विद रिगार्ड टू इंटर रेलवे इंटर डिविजन ट्रांसफर ऑन ओन रिक्वेस्ट बेसिस ऑफ डिविजनल कंट्रोल्ड कैडर्स ऑफ एनजी स्टाफ लाइज विद डीआरएम। जो डिविजन के कंट्रोल में जो कैडर है वो उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने का जो पावर है ये अभी फिलहाल डीआरएम साहब के पास है। अगर से किसी एम्प्लॉय को आउट ऑफ टर्न आपको ट्रांसफर करना है तब आपको एजीएम का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन एजीएम का अप्रूवल लेने के पहले आपको डीआरएम के पर्सनल अप्रूवल भी लेनी होगी। अभी हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर इंटर रेलवे और इंटर डिविजन ट्रांसफर। जैसे मैंने बताया आपको इंटर डिविजन के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 5 साल वगैरह होना, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इंटर रेलवे के लिए है। लेकिन इसके जो कंडीशंस है दोनों के लिए कॉमन ही है। जैसे कि अगर से आप कोई ट्रांसफर चाहते हो इंटर रेलवे या इंटर डिविजन, आपकी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी ट्रांसफर जो है इट विल बी अप्लीकेबल ऑन बॉटम सीनियोरिटी इन ग्रेड्स हैविंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। मतलब जिस कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरआरबी या आरआरसी से रिक्रूटमेंट होता है उसी कैटेगरीज में आप ट्रांसफर ले सकते हो। प्रमोशनल कैटेगरी में आप ट्रांसफर ले नहीं सकते अगर से उस कैटेगरी में 100% प्रमोशनल कोटा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जहां है वहीं पे आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है जो एम्प्लॉय ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो वही होना चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उस पोस्ट का मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर से एक एम्प्लॉय जेई में ट्रांसफर लेना चाहता है तो जेई का रिक्रूटमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा। अगर से वो जेई जो ट्रांसफर चाहता है अगर से डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो उसका ट्रांसफर कंसिडर किया नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट है अगर से कोई एम्प्लॉई रिक्रूट जेई में हुआ है और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उसका जेई का है डिप्लोमा है, ड्यूरिंग इस पीरियड ऑफ सर्विस अगर से वो एम्प्लॉय प्रमोट होके एसएससी में चला जाता है और एसएससी में जाके वो ट्रांसफर के लिए अप्लीकेशन देता है तो उसकी ट्रांसफर एसएससी में कंसिडर नहीं की जाएगी। इवन दो एसएससी के ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट होती है इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि एसएससी के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यह है डिग्री, जबकि इस बंदे का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उसके पास अवेलेबल है वो है डिप्लोमा। तो इस एम्प्लॉय को रिवर्शन इन द कैटेगरी ऑफ जेई में लेना होगा और रिवर्शन की वो विलिंगनेस देगा और हम उस एप्लीकेशन को कंसर्न्ड डिवीजन में भेजेंगे और वहाँ की अथॉरिटी पे निर्भर होगा कि उसको कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो ये आपकी मिनिमम कंडीशंस है फॉर ट्रांसफर। अब हम बात करेंगे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जब हम इसको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं इंटर रेलवे इंटर डिविजन ट्रांसफर के लिए। एम्प्लॉय के एप्लीकेशन के आते ही जो प्रोफॉर्मा ए बी और सी है इसको आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद अगर से आपको लगता है कि एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स तो इस एप्लीकेशन को आपको कंसर्न्ड रेलवे
के डिवीजन जहाँ है, जिस जहाँ उन्होंने मांगा है ट्रांसफर, वहाँ डायरेक्ट आप अप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नहीं लगेगी। अप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड करते ही आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे और उसमें इस बंदे के एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ अप्लीकेशन और जो पर्टिकुलर्स है जहां उन्होंने ट्रांसफर मांगा है, ये सब आप एक प्रोफॉर्म बना के आप इसको फिल करेंगे। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये डेट ऑफ अप्लीकेशन के बेसिस से बनाया जाएगा, भले ही वो कोई भी रेलवे में अप्लाई ने क्यों ना किया हो, उसकी डेट ऑफ अप्लीकेशन विल बी द डेट फॉर मेकिंग द प्रायोरिटी लिस्ट। अब हमने जो एलिजिबल है कंडीशंस फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर के बारे में बात किया, उसके बाद हमने अप्लीकेशन को किस तरह से फॉरवर्ड करना है, प्रायोरिटी लिस्ट किस तरह से बनाना है, उस पर बात किया। अब अप्लीकेशन एम्प्लॉय के चले जाने के बाद कंसर्न रेलवे या कंसर्न डिवीजन उसके एक्सेप्टेंस हमको इंटीमेट करती है। जैसा मान के चलिए यहाँ से हमने अप्लीकेशन दिया एक नॉर्थन रेलवे दिल्ली डिवीजन को, हमने अप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया दिल्ली डिवीजन पे, दिल्ली डिवीजन ने उस अप्लीकेशन को देख के उनकी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो DRM साहब है वहाँ के, उन्होंने हमको एक्सेप्टेंस भेज के दिया बॉम्बे बीसी डिवीजन को कि इस आदमी का हमने एक्सेप्टेंस एग्री किया है, आप इसको रिलीव करें। उसके बाद ये लेटर आने के बाद हमको जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है इस पर हम बात करेंगे। जब आप किसी एम्प्लॉय को एक्सेप्टेंस आने के बाद रिलीव करोगे तो इस केस को आपको पुटअप करनी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे मैंने कहा यहाँ डिवीजन में अभी DRM साहब है जिसको इंटर रेलवे ट्रांसफर और इंटर डिवीजन ट्रांसफर का इनको पावर्स दिए गए हैं कि ये रिलीव कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को रिलीव भी इस एज पर प्रायोरिटी लिस्ट ही होगा जो हमने मेंटेन किया है, प्रायोरिटी लिस्ट उसी की बेसिस पे होगा। मान के चलिए दिल्ली डिवीजन वालों ने जो एक्सेप्टेंस जिस बंदे का दिया उसका प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 3 है और प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 का एक्सेप्टेंस समझो नहीं आता है, तो इस स्टेज में क्या किया जाएगा? इस स्टेज में आपको यही करना है कि अगर से कोई भी कारणवश सीनियर एम्प्लॉई का जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उनका एक्सेप्टेंस समझो नहीं आता है, तो जिस डिवीजन या जिस रेलवे में आपने इसका एप्लीकेशन भेजा था वहाँ आपको एक बैक रेफरेंस करना होगा कि आपका हमने इस तारीख को एप्लीकेशन किया था और उनका अभी तक एक्सेप्टेंस आया नहीं जबकि दूसरा आदमी का आया है। अगर से आपको 3 महीने के अंदर कोई रिप्लाई उस रेलवे या डिवीजन से नहीं आया है तो आपको जूनियर एम्प्लॉई जिसका एक्सेप्टेंस आ चुका है उसको रिलीव करने के लिए केस को प्रोसेस करनी होगी, लेकिन उसकी रिलीविंग होगी ऑन आउट ऑफ टर्न बेसिस, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी पोजीशन जो है सीनियर एम्प्लॉय को इग्नोर नहीं कर सकते। और आउट ऑफ टर्न बेसिस के लिए आपको AGM साहब का एक्स्ट्रा अप्रूवल लेनी होगी। ये रहा इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिविजनल ट्रांसफर को मैंने आपसे बात किया। दरअसल दोनों का ऑलमोस्ट कंडीशंस आर द सेम, खाली इंटर रेलवे में आपको 5 ईयर वाला रूल है और इंटर डिविजन में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन द प्रोसीजर फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड कंसिडरिंग द एक्सेप्टेंस आफ्टर रिसीव्ड आर द सेम। नाउ वी विल टॉक अबाउट म्यूचुअल ट्रांसफर। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर एज अ नेम सजेस्ट, म्यूचुअल का मीनिंग हुआ मेरे जगह पे आप और आपके जगह पे मैं, इसका मतलब होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। इससे आपका कैडर में आदमी कम नहीं होता, ना ही आपका कैडर में कम होता है, ना सामने वाला कैडर में कम होता है।
इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कोई थोड़ी कंडीशंस फ्रेम करके रखे हैं फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कंडीशन नंबर वन है, जो एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहता है उनका ग्रेड और कैडर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जेई पीवे इन ग्रेड पे 4200 कैन ओनली टेक ए म्यूचुअल ट्रांसफर विद ए जेई पीवे ऑफ द सेम ग्रेड एंड द सेम डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग का जेई पीवे मैकेनिकल के जेई पीवे के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं ले सकता, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, म्यूचुअल ट्रांसफर में जो म्यूचुअल ट्रांसफर लेता है उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनकी सीनियोरिटी विल बी व्हिचएवर इज लोअर। जैसे कि बॉम्बे और दिल्ली वालों का म्यूचुअल हो रहा है, बॉम्बे वाले का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2012 का है और दिल्ली वाले का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2014 का है। म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बाद जो 2012 वाला बॉम्बे का एम्प्लॉय है उसको भी सीनियोरिटी 2014 का ही मिलेगा दिल्ली डिवीजन में, और दिल्ली वाले को 2014 वाला जो सीनियोरिटी है वो मिलेगा बॉम्बे में। विच एवर इज लोअर विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। मान के चलिए कोई एम्प्लॉय एसएससी पीवे है या सॉरी जेई पीवे है एट द टाइम ऑफ अप्लाई और फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो प्रमोट हो जाता है और उसका एक्सेप्टेंस दूसरे डिवीजन रेलवे से आ जाती है, तो ये जो जो बंदा प्रमोट होकर एसएससी पीवे बना है उसको रिवर्शन लेनी होगी इस डिवीजन में ऑन पार विद द एम्प्लॉय ऑफ द अदर डिवीजन, दैट इज उसका एक ग्रेड पे उसको लेने के लिए विलनेस देनी होगी, उसके बाद ही उसकी एक्सेप्टेंस कंसिडर की जाएगी। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा आपको, म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर से ओपन मार्केट जो रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन मार्केट वाली कैटेगरी हो वहां पे ये आपको देखना नहीं है कि दोनों एम्प्लॉय सेम कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, दैट मींस दोनों अगर एससी है या जनरल है या ओबीसी है या एसटी है, म्यूचुअल ट्रांसफर इन ए कैटेगरी विच इज रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी और आरआरसी, वहां पर भी एक जनरल एम्प्लॉय का एक एससी एम्प्लॉय के साथ म्यूचुअल हो सकता है या एक एसटी के साथ एससी का हो सकता है। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एलिमेंट हो सिर्फ वही कैटेगरी, लेकिन जिस कैटेगरी में आरआरबी के तहत और प्रमोशन के तहत पोस्टें भरी जाती है और म्यूचुअल ट्रांसफर में एक एम्प्लॉय प्रमोशनल कोटा से उस कैटेगरी में आया हो और एक आरआरबी से आया हो, अगर से इनका म्यूचुअल आपको एक्सेप्ट करना है तो दोनों का जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी दोनों या तो जनरल होने चाहिए या तो एससी होने चाहिए या तो एसटी होने चाहिए, दोनों में से अगर से एक जनरल है और एक एससी है तो उनका म्यूचुअल कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, म्यूचुअल ट्रांसफर में जनरल और जनरल का ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है अगर से जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं वो आरआरबी के थ्रू रिक्रूट होता हो। म्यूचुअल ट्रांसफर के और एक मेन कंडीशन है कि देयर इज नो बैक ट्रैकिंग, दैट मींस एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जहाँ ट्रांसफर पे जाना नहीं है या मेरा एप्लीकेशन मुझे विड्रॉ करना है। अगर से आपकी केस प्रोसेस हो चुकी है तो आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एप्लीकेशन कंसर्न्ड सेक्शन में आते ही इसको आपको कंसर्न्ड डिवीजन, यहाँ वो ट्रांसफर मांगा है एम्प्लॉय ने वहाँ पे
आपको फॉरवर्ड करना है। म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद कंसर्न्ड डिवीजन या कंसर्न्ड रेलवे आपको इसकी एक्सेप्टेंस देगी। उसमें एक कंडीशन है कि सीनियर एम्प्लॉय को आपको पहले रिलीव करना है, दोनों डिवीजन के रेलवे के जो सीनियर एम्प्लॉय है वो पहले रिलीव होगा, और ये एंटायर एक्सरसाइज जो है इसको आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है। 15 डेज के ऊपर आपको कोई भी एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आने के बाद उसको यहाँ रोक के नहीं रखना है। ये हमने अभी चर्चा किया इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर और एक अकाउंट पे होता है वो है स्पाउस, जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी का हस्बैंड या सर्विस रेलवे में या सभी गवर्नमेंट में करता हो या किसी का वाइफ सर्विस यहाँ करती हो, उनको भी अलग सा एक रेलवे बोर्ड ने अलग सा एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि स्पाउस बॉन्ड में भी आप किसी का ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर दूंगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के लिए कितने सेटों में फॉर्म तैयार किया जाता है, कैसे फॉर्म को भरा जाता है, इन सभी बातों के लिए आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।